पंजाब पुलिस के कांस्टेबल अंसर रजाक से, जिन्होंने ऐसा मुनफरद एजाज हासिल किया है जो किसी भी वालिद के लिए दुनिया के किसी भी बड़े एजाज से कम नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, दुनिया में एक वालिद ही वाहिद ऐसी शख्सियत है जो अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा बड़े ओहदे पर और ख़ुद से ज़्यादा तरक्की करता हुआ देखना चाहता है, और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी भी होती है। और हेड कांस्टेबल मिर्ज़ा अंसर ने अपनी मेहनत से ये कारनामा सर अंजाम दिया है। महदूद वसाइल के बावजूद हेड कांस्टेबल के जो 5 बच्चे हैं वो डॉक्टर बन चुके हैं, जबकि हाल ही में अंसर रजाक की जो छोटी बेटी हैं हबीबा, उन्होंने भी MCAT के इम्तिहान में 96% से ज़ायद नंबर हासिल करके मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई कर लिया। और आपको ये बताएं कि पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल अंसर रजाक ने अपने 5 बच्चों को MBBS करवा कर दीगर वालदैन के लिए एक ऐसी आला मिसाल कायम की है जिसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अंसर रजाक के बच्चों में डॉक्टर मारिया, डॉक्टर नवीरा, डॉक्टर मदीहा, डॉक्टर मोहम्मद अली रजा और डॉक्टर मोहम्मद हसन शामिल हैं। हेड कांस्टेबल अंसर रजाक टेलीकम्युनिकेशन राजनपुर में तैनात हैं, 26 साल से महकमे में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, और मजीद उन्हीं से तफसीलात जान लेते हैं कि मुनफरिद एजाज़ कैसे उन्होंने हासिल किया है। अंसर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बताइएगा कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं राजनपुर से ताल्लुक रखता हूँ। राजनपुर हमारा पंजाब का एक तरक्की पजीर जिला है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने मेहनत की है, मैंने भी बच्चों से मोहब्बत की है, प्यार किया है, उनको गाइड किया है, तो अल्लाह पाक ने ये हमसे काम लिया है। मेरे बच्चे मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे, रोशन कर रहे हैं। अंसर साहब मुझे बताइएगा क्या घोल के पिलाया है आपने उनको ऐसे कि एक के बाद एक, देखें एक बार हो गया डॉक्टर बन गए, दो बार चले समझ में आता है कि कोई लक की बात है, लेकिन 5 मुसलसल डॉक्टर्स बनाना, ये कोई ट्रिक है आपके पास? क्या ट्रिक है आपके पास? बस कोई ट्रैक नहीं है, ये मालिक की मेहरबानी है जी, अल्लाह पाक ने ये चुन लिया है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बन के अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें, तो वो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से कर रहे हैं, अल्लाह पाक का बहुत फजल है। अच्छा। तो अंसर साहब कितना मुश्किल था, मतलब महदूद वसाइल के साथ और पुलिस जैसी मुश्किल नौकरी है आपकी, उसमें बच्चों के लिए टाइम निकालना और फिर उन्हें इस काबिल बनाना? बस अल्लाह पाक जिसको जिस काम के लिए चुन लेते हैं तो उसके असबाब भी मुहैया कर देते हैं। मेरी पंजाब पुलिस टेली कम्युनिकेशन में हमारा एक पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड होता है, तो वहां से मुझे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बादस्तूर माकूल रकम जो मिलती रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक चीफ स्कॉलर वो भी मिलता रहा है, तो अल्लाह पाक ने ऐसे असबाब बना दिए हैं कि किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, तो ये हम देखते हैं स्कॉलरशिप से आपको मिली सारी रकम, क्योंकि सबसे मुश्किल है मेडिकल की पढ़ाई करवाना अपने बच्चों को, क्योंकि सरमाया आपका लग जाता है, पूरी उम्र की जो जमा पूंजी है वो लग जाती है, लेकिन आप अपने अलावा किसको क्रेडिट देंगे इस चीज़ का? क्या कोई ट्यूशन बहुत अच्छी मिल गई, स्कूल बहुत अच्छा मिल गया, सब बच्चों को करवाया, वहाँ से डॉक्टर बनकर निकल रहे हैं? नो सर, नो नो, आप यकीन करें मेरे बच्चों की एक भी ट्यूशन नहीं है। जबरदस्त, एक भी ट्यूशन नहीं है बिल्कुल। जो हमारे असाज़ा कराम या मेरे मकामी दोस्त जानते हैं, मेरे बच्चों की एक दिन की भी कोई ट्यूशन नहीं है, बस अल्लाह पाक ने उनके जहन में डाल दिया, उन्होंने मेहनत की रात दिन करके, मैंने भी अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, बेगम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मेरे बस अल्लाह पाक ने ये मेरी खिदमात को कबूल किया, तो मुझे ये इज्जत बख्शी कि मेरे बच्चे आज अपने मुल्क की खिदमत के लिए हाजिर है। इतना बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब एक मैं मुश्किल सवाल आपसे करूंगी, अगर पूछा जाए आपसे कि आपका सबसे लाइक बेटा या बेटी कौन है तो किसको समझते हैं सबसे आगे आप? ये वाकई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये आप हमें लड़वाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये मेरे लिए बराबर है, सब मेरे लिए बराबर है, इसमें किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा। ऐसा है कि पहले बच्चे से दूसरे ने, दूसरे से तीसरे ने पहले से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, पहले से ज्यादा मेहनत की है, ये रिकॉर्ड रहा है। अब आखिरी बेटी जो मेरी हबीबा अंसर है, उसने एंट्री टेस्ट में 200 में से 193 नंबर लिए हैं, 96% जी जी, तो ये एक रिकॉर्ड है, ये एक हमारे जनूबी पंजाब में बैकवर्ड जिला से ताल्लुक रखता हूँ, राजनपुर तरक्की पजीर जिला है हमारा, तरक्की याफ्ता नहीं है। अच्छा, तो ये आप, हाँ, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सी सहूलियात मुयसर नहीं है आपको, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप अपने अलावा बेगम को कितना क्रेडिट देंगे इस चीज का? अब मैं तो समझता हूँ मैं तो नाम का हूँ, क्रेडिट तो सारा बेगम की है, बिल्कुल सही, माँ ही सब कुछ करती है, बाप तो कमा के लाता है, माँ बच्चों को संभालती भी है, उनका ख्याल भी करती है, उनकी केयर भी करती है, देखती है वो क्या कर रहे हैं, कोई पढ़ाई से घाटर तो नहीं रहा है, कहीं दूसरे के
काम में तो नहीं लग रहा, ये तो माँ ही करती है। मैं तो पुलिस मुलाजम हूँ, आप बेहतर समझते हैं पुलिस की ड्यूटी को। पुलिस की ड्यूटी तो जाहिर है 24 घंटे होती है, थोड़ा सा वक्त कभी मिल गया घर का आने जाने का तो वो तो है। तो बस मेरी तो वो खिदमात थी सिर्फ वो डोनर की, कि मैं उनके अखराजात के लिए मेंटेन करता था, बाकी तो सारा काम माँ का ही होता है। सही। अच्छा तो आंसर साहब, कोई एक भी बच्चा आपको पुलिस में नहीं गया, सबने खुद ही ये डिसाइड किया कि वो मेडिकल की फील्ड को चूज कर रहे हैं, या फिर कोई आपने भी कहा कि नहीं पुलिस में ना आए आप, या फिर उनकी अपनी मर्जी थी? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, असल में ना पहले मेरी 3 बेटियां हैं। अच्छा। पहली मेरी 3 बेटियां हैं, तो बेटियों का तो वैसे बहुत कम चांस होता है, और अल्लाह पाक ने जब पहली 2 बेटियों का एक साथ 2012 में एडमिशन करवा दिया, जो उनका हो गया तो फिर वो तो सिलसिला चल पड़ा ना, फिर तो एक रश पैदा हो जाता है बहन भाइयों में, दोस्तों हाँ। में शहरदारों में भी, ये इनके बच्चे बन गए तो हम भी बन सकते हैं। बहनों ने कहा, भाइयों ने कहा भी हमारे बड़े बन गए तो हमने तो इससे भी ज्यादा मेहनत करनी है, और उन्होंने करके दिखाया ये। आंसर साहब चले बच्चों, फिर वो पेज पे जाने का कोई चांस नहीं बना बच्चों को, तो आपने बता दिया उनका चांस नहीं बना कि उनको पुलिस की तरफ ले गया। कहीं आपकी ख्वाहिश तो नहीं थी कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, तमाम बच्चों को डॉक्टर बना दिया? बस वो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने एसएससी किया था, इम्तिहान दिया था, नसीब में नहीं था, अल्लाह पाक ने मेरी खिदमत पुलिस के लिए लिखी थी, तो मैंने यहाँ भी दिल लगा के नेक नियत ही से रिज़्क़ हलाल कमा कर काम किया। मैंने कभी ड्यूटी में भी कोताही नहीं की, ये मेरे अफसर बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, मेरा ये रिकॉर्ड है, मेरी गुड इंट्रीज है मेरी सर्विस रोल में। बिल्कुल, वो आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, 5-5 डॉक्टर्स हैं जी अब आपके घर में इंशाल्लाह। अच्छा हम देख रहे हैं विजुअल्स में भी, गुज़िश्ता दिनों आईजी पंजाब ने भी आपको आपकी फैमिली के साथ मधु किया था, कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनसे मीटिंग कैसी रही, मुलाकात कैसी रही, और अपने महकमे में आपको कितनी पज़ीराई मिली है? मेरे महकमे ने मुझे इतनी इज्जत अफजाई दी है कि मैं अंदाजा भी नहीं कर सकता, अगर कोई एक तवक्को रखे कि मुझे इतना इज्जत मिलेगी तो उससे मुझे कहीं ज्यादा बरकत। मेरे आईजी साहब, वो तो हमारी पुलिस के लिए आप बेहतर जानते हैं रोल मॉडल है, उनका नाम तो हमारी पुलिस का मातपाए दम तक रहेगा। उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो एक तारीफ है, उन्होंने हमारी तरक्कियां हमारे वेलफेयर के लिए जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने किया उनकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। हमारे साहब का आईजी साहब बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने सबका रिकॉर्ड डॉक्टर साहब ने तोड़ दिया, तो उन्होंने मुझे इतनी इज्जत अफजाई दी कि मेरे बच्चे मैं हैरान रह गए, उन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत अफजाई दी, बहुत मैं उनका बहुत ममनू हूँ, बहुत ममनू हूँ मैं उनका। आप इसके मुस्तहिक भी हैं जी आंसर साहब, आप मुस्तहिक भी हैं, और देखें आपकी ये जो पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि आप शुक्र गुजार रहते हैं, उसकी वजह से भी आपको अल्लाह ताला नवाजता रहता है, और इस तरह के बच्चे माशाल्लाह से लोग जो हैं ख्वाहिश ही करते हैं कि ऐसे बच्चे हों, ऐसे काबिल बच्चे हों। तो ये बताइएगा आजी साहब से आपने मुलाकात की, सपोर्ट के हवाले से महकमे में आपने बताया कि स्कॉलरशिप्स मिलती रही हैं बच्चों को जिसकी वजह से वो पढ़ते रहें, लेकिन महकमे की जानिब से आपको वक्त के हवाले से कोई सहूलत मिलती हो, या महकमे की तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट जिसको आप इस वक्त मेंशन करना चाहें? नहीं, वो इजाफी तो कभी नहीं हुई, ना मैंने कभी कुछ तलब की है, तो ना महकमे ने आज खुद कोई दी है, तो ऐसा कोई सिलसिला है नहीं, तो बस वही है जो स्कॉलरशिप होती है सबके लिए बराबर होती है, तो मेरे बच्चों को भी बराबर मिलती रही है, आप भी मिल रही है, जो बच्चे अभी पढ़े हैं सबके लिए वो है, बस इसके अलावा नहीं है। सही है। अच्छा आंसर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि पहली आपकी 3 बेटियां थीं और फिर उसके बाद ये सिलसिला डॉक्टर्स बनाने का शुरू हो गया आपके फैमिली में, बहुत सारे लोग अभी भी बेटियों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते हैं, और ख़ासतौर पे जब इस तरह की मुश्किल पढ़ाइयाँ हो जिन पे बजट भी ज़्यादा लगना हो, तो फिर वो लड़कियों को वैसे ही साइड पर कर देते हैं कि नहीं ये आपका काम नहीं है, तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए कोई पैगाम आप देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी कुछ दोस्त कहते थे भी आप बहुत गलत कर रहे हो यार, बेटियों पे इतना खर्च कर रहे हो आप, हैंड टू माउथ बंद पर्सन हो तो ऐसा क्या कर रहे हो, लेकिन मैं समझता हूँ बेटियां तालीम और तवज्जो पे तवज्जो दी जाए, हमारे माशरे में हमारी तारीख में ये आप बहुत बेहतर जानती हैं, जब भी कभी वालदैन की इज्जत इतना मामला आया है तो बेटी भाई से बढ़कर अपने बाप की इज्जत करती है, एहतराम करती है, अपने वालदैन का करती है, ये हमारी तारीफ है, आप बहुत बेहतर समझ, बिल्कुल आप जैसे वालिदी हमारा बराबर है, मैंने कभी फर्क नहीं किया बेटे और बेटी में, आप जैसे वालिदी हमारा फखर हैं, आप जैसे वालिद के मौजूदगी की वजह से जो कुंबा है वो सारे का सारा वो इस ऐसी समत में डायरेक्टेड होता है जहां पर वो तरक्की भी करता है, खुशहाली भी आती है उसमें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आंसर साहब, और हम देखते हैं कि सिर्फ मदद उसी की जा सकती है जो अपनी मदद आप करता है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।